एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो है, आप लोग समझ ही गए होंगे थंबनेल से मेरे कि किसके ऊपर है। तो इब्राहिम फैमिली के ऊपर मेरा ये वीडियो जाने वाला है, रिएक्शन वीडियो है। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखना एंड तक। और इनकी शादी का जो भी सच है वो इस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत और शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, तो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट में अपनी राय ज़रूर छोड़ना। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, अभी मुझे एक इंटरव्यू मिला इनके रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए मुझे जो मैंने उसमें देखा। एक फैज़न करके कोई पर्सन है, उनका वैसे इनसे कोई लिंक है कि नहीं है ये मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ उनका कोई एक इंटरव्यू हो रहा था जिसमें कि उनसे दीपिका से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, उन्होंने उनसे पूछी। तो सबसे पहला सवाल उनका यही था इंटरव्यू वालों का कि जो दीपिका हैं वो मतलब मॉमडन हैं या फिर अभी हिंदू धर्म में हैं, मतलब किस टाइप की हैं वो। क्योंकि आप सबको पता है दीपिका जो है वो स्टार्टिंग से हिंदू धर्म में ही थी, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन, उनका कहना ऐसा है कि उन्होंने किया था, लेकिन जो इंटरव्यू में हमने सुना वो बहुत शॉकिंग था। क्योंकि उन्होंने, वो भी मॉमडन ही हैं फैज़न करके जो पर्सन थे, उन्होंने बताया कि जब नाम, मतलब हम धर्म परिवर्तन करते हैं तो सबसे पहले आपका नाम चेंज होता है। और ये चीज़ नॉर्मली हमें मालूम है कि नाम बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक नाम ही होता है जो इंसान की पहचान होती है ना। लेकिन आज के डेट में भी दीपिका को दीपिका कक्कर ही बुलाया जाता है, आप सबको पता है ये बात। अगर दीपिका का नाम चेंज हुआ है तो ये फिर अपने उस नाम के साथ क्यों नहीं उस नाम को फॉलो कर रही है ना। तो उन्होंने हमें बताया इंटरव्यू के दौरान कि इनका जो है वो नाम भी चेंज जो हुआ है वो चेंज दुनिया की नज़र में बोला गया है कि चेंज हुआ है, लेकिन उनके रियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर अभी भी वही पुराना नाम है, उस पर कोई नाम चेंज नहीं हुआ है। तो जब इनका पासपोर्ट चेंज नहीं हुआ, पासपोर्ट के ऊपर नाम चेंज नहीं हुआ, तो हम कैसे मान लें कि इन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, पहली बात। तो ये चीज़ सुनकर मैं एकदम शॉक हो गई कि यार ये क्या चीज़ है ना। तो मैं इस बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा अजीब सा मेरे को फील हुआ कि यार बात तो ये सही है अगर देखा जाए तो, कि अगर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हो, अभी आप बोल रहे हो कि हम हिंदू से हम मॉमडन धर्म में आ गए हैं अपनी मर्जी से, तो ऐसे कोई अपना बोलने से कोई नहीं होता कि धर्म परिवर्तन बोल दिया आपने तो हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। हमेशा हमने देखा है कि धर्म परिवर्तन जब भी होता है तो आपके नाम, आपकी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मतलब चेंज होती हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि एक कलमा पढ़ा जाता है जब धर्म परिवर्तन होता है, तो एक कलमा पढ़ा जाता है, बेसिकली एक कोई ऐसा कलमा होता है जिसमें धर्म परिवर्तन के टाइम पे यूज़ होता है। ऐसा तो हम भी बोलेंगे ये बात कि जब भी हमारे हिंदू धर्म में कोई पूजा पाठ होता है तो हर चीज़ की एक कहानी और एक मतलब होता है ना, एक पूजा पाठ होता है उसके रिलेटेड सब कुछ होता है। तो सेम मॉमडन धर्म में भी यही चीज़ होती है, उनको मतलब उस जो वो कथा सुनाते हैं या जो भी चीज़ सुनाते हैं उसको वो कलमा बोलते हैं, मतलब भगवान की जो एक कहानी होती है वही कुछ मंत्र वंत्र होते हैं उसमें, तो वो कलमा बोलते हैं शायद उसको। तो उन्होंने कलमा के हिसाब से जो चीज़ें होती हैं वो होता है। तो उन्होंने बताया कि दीपिका का कोई भी धर्म परिवर्तन उनके हिसाब से नहीं हुआ है। प्लस उन्होंने इसके आगे का फ्यूचर का भी बताया कि जैसे कभी किसी पर्सन की डेथ होती है तो अगर वो हिंदू धर्म का है तो उसको जलाया जाता है, आप सबको पता है शमशान में ले जाकर जलाया जाता है और उसका उस तरीके से सब कुछ होता है पूजा पाठ। और अगर कोई मॉमडन होता है तो उसको शमशान नहीं ले जाया जाता, उसको कब्रिस्तान ले जाया जाता है और वहाँ दफनाया जाता है, ना कि जलाया जाता है। तो ये सब आपको पता है ना। तो उन्होंने यही बात रखी है अपने उस इंटरव्यू में कि अगर इनका कुछ ऐसा सीन हुआ तो ये कहाँ जाएंगी, ना तो ये मॉमडन धर्म के हिसाब से दफनाई जाएंगी, कब्रिस्तान नहीं जा सकती क्योंकि ये धर्म फॉलो ही नहीं कर रही है ना। और धर्म फॉलो भी क्या, इन्होंने तो अपना नाम तक वही रखा हुआ है जो पहले का था, तो कैसे ये बोल सकती है कि मैं मॉमडन हूँ, नहीं है ये मॉमडन, तो ये वहाँ नहीं जा सकती है ना। तो इनका कब्रिस्तान में भी कोई इनको जगह नहीं मिलने वाली, और अगर ये शमशान में जाती है तो ये वहाँ भी जगह नहीं मिलेगी क्योंकि
इन्होंने तो अपने मुंह से ही बोली है कि हम मैंने कर लिया धर्म परिवर्तन, तो शमशान वाले भी इनको एंट्री नहीं देंगे, तो फिर इनका अंतिम समय क्या होगा, कैसा होगा? मतलब बहुत बड़ी चीज़ इन्होंने बोली जो शायद दुनिया बहुत ज़्यादा डरती है ये सब चीज़ें बोलते समय। लेकिन मैं सुन के हैरान हो गई कि बात तो बंदे ने सही बोली, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उनकी बातों में सच्चाई नज़र आई कि हाँ बात तो वो सही बोल रहे हैं। या तो आप एक तरफ बैठ जाओ तो समझ में आता है कि आप एक तरफ के हो, लेकिन अगर आप दो नावों में दोनों पैर अलग अलग फैला के घूम रहे हो तो फिर एंड में आप कौन सी नाव के हो या कौन से किनारे आपको पहुँचना है कैसे पता चलेगा? ये चीज़ नहीं पता चल सकती। तो मेरे को लगता है कि इसमें दीपिका को अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करना चाहिए, सच्चाई क्या है ये अपनी ऑडियंस के साथ जरूर बताना चाहिए, बिकॉज हम लोग उनको देखते हैं, हम लोगों ने सब चीज़ें उनकी फॉलो कर ली। हाँ एक बात और कि उन्होंने ये भी बताया कि अभी ये प्रेग्नेंट हैं, सेकेंड टाइम मतलब बच्चा है इनके पास, तो प्रेगनेंसी का भी उन्होंने क्लियर किया उस चीज़ का कि दीपिका जो है वो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट है, तो वो आगे जो बच्चा होगा उसको क्या कुछ सिखाएगी, किस बेसिस पे मतलब दुनिया में लाएगी, वो हिंदू धर्म का होगा या फिर वो मॉमडन धर्म का होगा, वो कौन से धर्म को फॉलो करवाएगी उससे, या क्या कुछ करेगी अपनी लाइफ में, जो खुद कन्फ्यूज है कि उसको खुद क्या करना है लाइफ में, वो खुद नहीं समझ पा रही, तो वो अपने बच्चों को क्या ही सिखाएगी। तो ये चीज़ भी उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की और ये सवाल रखा उस इंटरव्यू में। तो मेरे को लगता है कि दीपिका को ये सब चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। मुझे जहाँ तक फील हो रहा है कि आप किसी भी धर्म में रहो, लेकिन अगर आप किसी भी एक धर्म में हो तो एक धर्म के होकर रहो ना, दो धर्मों में भटके रहने का क्या मतलब हुआ। ये ज़रूरी नहीं है कि शोएब मॉमडन है तो आपको मॉमडन धर्म फॉलो करना है तो आप कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर आपका दिल है तो आप उस धर्म में जाओ, क्योंकि आप हर चीज़ का निरादर कर रहे हो यहाँ पर, है ना। जैसे ना ही आप भगवान के हमारे हिंदू धर्म की चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, ना ही आप मॉमडन धर्म के रोज़ों को फॉलो कर रहे हो, रोज़ों में भी आपने बहुत सी चीज़ें खराब करी हैं, तो मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है। मैं ये बोलूँगी कि चाहे कुछ भी हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मॉमडन धर्म हो, है ना, मुस्लिम धर्म हो, दोनों धर्म में भगवान तो भगवान ही होते हैं ना, तो आप किसी एक भगवान को तो एटलीस्ट सच में मानो और किसी एक धर्म को तो फॉलो करो ना, ऐसा बटकर रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो गाइज़ यही था मेरा अभी का आज का वीडियो। अभी एक दो वीडियो अगर और होंगे मेरे पास तो मैं शाम तक लाऊंगी, तो आप लोग फॉलो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में अपनी राय छोड़ना कि आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू सच था या झूठ था, या जो बातें इन्होंने बोली वो आपको क्या लगी, है ना। जो भी आपको लगता है आप अपना कमेंट में राय ज़रूर छोड़ना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।